कोमोरबिड डिजीज में नेक्स्ट है पर्टुसिस वूपिंग कप, जिसको बोलते हैं वूपिंग कप या पर्टुसिस। पर्टुसिस इज एक्यूट इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेटरी डिजीज कैरेक्टराइज बाय कैटरल सिम्टम प्रोलॉन्ग बाय बॉट्स ऑफ कफ विच फर्दर वर्सन इन रेस्पिरेटरी वूप, सो नाउ एज वूपिंग कप। इंट्रोडक्शंस। एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज इंसिडियस ऑनसेट माइल्ड फीवर इरीगेटिंग कफ प्रोक्सिमल वूप ऑफ्टन साइनोसिस वोमिटिंग साइनिस 6-7 डेज ऑफ कफ प्रॉब्लम स्पेंटमेंट इंपोर्टेड कॉज ऑफ डेथ इन इन्फेंट्स स्पेशली अनोमिलाइज मानरिस्ट इन्फेक्शन CFR 4-15% ग्लोबलिटी 2012 में 2.49 केसेस USA में 20% एडल्ट कफ लेस देन 2 वीक्स पर्टुसिस इंडिया में 1987 में 1.63 लाख 2013 में 0.36661 लाख एंड 70% डिक्लाइन। एपिडेमोलॉजी ऑफ वूपिंग कफ एजेंट फैक्टर बी पर्टुसिस 95 पेरापर पर्टुसिस 5% फेज स्मूथ एंड रफ कैप्सुलेटेड इन कैप वन फेज एंड नॉन कैप्सुलेटेड टॉक्सिन इक्सो एंड इंडो एग्यूमेटजेनेसिस 1, 2, 3 एंड 4 अदर माइनर सोर्स मैन नो कैरियर नो सब क्लिनिकल इन्फेक्टिव मटेरियल नेजोफेरिंजियल ब्रोंकाइटिस सेक एंड नेक्स्ट है इन्फेक्टेड पीरियड में वीक्स आफ्टर एक्सपेक्टेड टू 3 वीक्स आफ्टर प्रोक्सिमल स्टेज SAR 90% यानी 90%। होस्ट फैक्टर एज में पहला है इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन हाइएस्ट इंसिडेंट्स लेस देन 5 ईयर्स हाइएस्ट मोर्टिलिटी लेस देन 6 मंथ्स जेंडर इंसिडेंट्स ऑफ फर्टिलिटी फीमेल देन मेल इम्यूनिटी टू अटैक्स डिक्लाइन इम्यूनिटी। इन्वायरमेंट फैक्टर्स थ्रू आउट द ईयर सीजनल विंटर स्प्रिंग ओवर क्राउडिंग SAS मोड ऑफ ट्रांसमिट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इंक्यूबेशन 7 to 2 डेज नॉट 3 वीक्स। क्लिनिकल सोर्स लोकल इन्फेक्शन मल्टीपल्स ऑफ सोर्स एपिड इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस दैन सेकेंड बैक्टीरियम इन्फेक्शन 3 स्टेजेज कैथरल स्टेजेज प्रोक्सिमल एंड कॉन्वेलेसेंट स्टेज। पहला है कैथरल स्टेज प्रोक्सिमल स्टेज या कॉन्वेलेसेंट स्टेज 10 डेज इंसिडियस लैक्रिमेशन स्नीजिंग कोरिजिया एनोरेक्सिया मलेज हैकिंग नाइट कफ एंड ड्यूरिनल। कैथरल स्टेज प्रोक्सिमल स्टेज कन्वेसेंट स्टेज 2 to 4 वीक्स ब्रस्ट पीरियड कंसेक्टिव कफ डीप हाई पैचेज इंपैरेशन वूप वोमिटिंग साइनोसिस एपनिया यंग इन्फेंट्स। कैथरल स्टेज प्रोक्सिमल स्टेज में कन्वेसेंट स्टेज 1 to 2 वीक्स कॉम्प्लिकेशन 5-6% इन्फेंट्स लेस देन 6 मंथ्स ब्रोंकाइटिस ब्रोंकोनिमोनिया ब्रोंकियाटेसिस प्रोक्सिमस सब कंजेवाइटल हेमरेज एपिटैक्सिस हिमोटाइपसिस कंसेक्टेड सेरिब्रल हेमरेज कन्वर्जेंस एंड कोमा। कंट्रोल केस एंड कॉन्टैक्ट केस कॉन्टैक्ट एक्टिव इम्यूनाइजेशन पैसिव इम्यूनाइजेशन केसेस EDT आइसोलेशन डिसइंफेक्शन ऑफ डिस्चार्ज नोज थ्रोट ED नेजोफेरिंजियल स्वाब्स लेस देन 60% एंड 10 to 14 डे फेट रैपिड PCR आइसोलेट अंटिल नॉन इन्फेक्शन एंड टेबलेट इरिथ्रोमाइसिन 30-50 mg QD to 10 डेज हेल्पफुल कंट्रोल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। कॉन्टैक्ट इन्फेंट एंड चिल्ड्रन कीप अवे प्रोफिलैक्सिस 10 डेज द बेस्ट प्रोटेक्शन बूस्टर डोज DPT एक्टिव मेडिसन DPT DTV WP DTAP अनटॉर्ड रिएक्शंस पैरास्टेटिक अनकॉन्सेबल क्राइंग सीजर हाइपोटोनिक हाइपो रेस्पॉन्सिबल एपिडोसोर्स एनाफेलैक्सिस एंड सेफेलोपैथी। पैसिव इमेजेशन नो एविडेंस ऑफ एफिशेंसी। This topic is complete. Thank you, everyone.